जिला पंचायत नीमच पर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद और स्वरोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय रोजगार दिवस के इस कार्यक्रम में 1444 से अधिक हितग्राहियों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म और लघु उद्योग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत करीब 14 करोड़ की राशि वितरित की गई। अतिथियों ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं में प्रतीक स्वरूप 25 हितग्राहियों को कार्यक्रम में स्वीकृति पत्र और ऋण राशि वितरित की। विधायक दिलीप सिंह परिहार इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के तहत युवा उद्यमी नीमच में धनिया प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करें। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा का पीथमपुर से सीधा प्रसारण किया गया। विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, सीईओ गुरु प्रसाद, महाप्रबंधक उद्योग अमर सिंह मोरे, नीलेश पाटीदार, जसवंत बंजारा, पार्षदगण और जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जिला पंचायत परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी और स्टॉलों का अतिथियों द्वारा निरीक्षण कर इसकी सराहना की गई। संचालन डॉक्टर राजेश पाटीदार ने किया। आज देखा आपने, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बेटी का विवाह हो रहा था। जिला पंचायत में जो बेरोजगार है उनको हम लोन दे रहे हैं उद्योग लगाने के लिए, और आज उसका हमने वितरण किया। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, उद्योग मंत्री माननीय दत्ती गांव जी और एमएसएमई मंत्री माननीय सकलेचा जी अभी हम लोगों को संबोधित कर रहे थे, और हमें बड़ा गर्व है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लघु और सूक्ष्म और बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और लोगों से ये प्रेरणा दे रहे हैं कि वो 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन लें और उद्योग लगाएं। अभी आपने देखा होगा एक जिला एक उत्पादन, इसके लिए भी हमने धनिया की को नीमच जिले के लिए तय किया है, और धनिया की कोई भी ग्रेडिंग या मसाला कोई बनाता है उसके लिए भी 35% का सब्सिडी है, और वो सब्सिडी लेकर व्यक्ति अपना उद्योग लगा सकता है और 4-5 लोगों को उद्योग पे काम कर सकता है। हम देखते हैं नीमच जिला कहीं ना कहीं कृषि प्रधान जिला है, और 65 प्रकार की जींस नीमच जिले में कृषि मंडी में आती है, यहाँ तक कि बाबा रामदेव जी भी यहाँ से ले जाते हैं। तो हम नौजवानों का आह्वान करेंगे कि वो टमाटर से केचप बनाए, लहसुन से पेस्ट बनाए और आलू की चिप्स बनाए, छोटे मोटे इस प्रकार के जो यहाँ जींस पैदा होती है उस प्रकार के उद्योग लगाएं। सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने का काम कर रही है। यहाँ हमने झांझरवाड़ा में एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाया है, भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी हमारे क्लस्टर के माध्यम से लोगों को ज़मीन देकर रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी बहुत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। तो मुख्यमंत्री जी अभी हर ऐसे पुनीत और पवित्र कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। जितनी भी योजनाएं जो लोक कल्याणकारी है अभी स्पीडली चल रही है, और आज बैंकर्स के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं, बैंकर्स स्वयं केस बुलाकर और लोगों को लोन देने का काम कर रहे हैं। उनकी गारंटी भी शिवराज मामा ले रहे हैं। देश में एक देवदुर्लभ प्रधानमंत्री जो कृषि की आय को 2 गुना बनाना चाहते हैं, तो एक उत्पादन एक जिला ये अभी तय किया है। धनिया को हमारे यहाँ का उत्पादन के लिए लिया है, इसके लिए भी अनेक प्रकार की सुविधाएं सरकार दे रही है, सुविधाएं लेना चाहिए। अब बिजली पानी सड़क खाद हमको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उत्पादन भी बढ़ाना चाहिए। किसान भाइयों को भी आज हमने संबोधित किया और उनको एक राह बताई है कि हमारे नीमच जिले में पानी है, बिजली है, खाद है, सड़कें हैं, तो आप अपना उद्योग लगाएं, 10 लोगों को रोजगार पर लगे। हाँ, पुनः आप सबको बहुत बधाई शुभकामनाएँ। आज ये मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की श्रृंखला में आज जो 1 तारीख से लगा के 7 तारीख तक कार्यक्रम होना है, इसमें आज 4 तारीख को एक जिला एक उत्पाद उद्यानिकी विभाग का जो यहाँ नीमच जिले का प्रोडक्ट चयन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री जो सूक्ष्म लघु उद्योग के अंतर्गत जो फाइनेंस होता है उसका, और जो है रोजगार दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें इसका उद्देश्य यही है कि जो 1 महीने में जो विभिन्न बैंकों द्वारा जो रोजगार 8-10 विभागों की योजनाओं में स्वीकृतियां दी है, ऋण वितरण हुआ है, उसको एक जगह ला करके और इनको सभी हितग्राहियों को वितरण करें ताकि दूसरे हितग्राही भी जो है मोटिवेट हों। तो आज के कार्यक्रम में लगभग जो है 1600 के आसपास हितग्राही, जो पिछला रोजगार मेला हुआ था 29 सितंबर, उसके बाद से आज तक 1600 हितग्राहियों का जो ऋण स्वीकृत हुए हैं और वितरण हुआ है, ये लगभग 15 करोड़ के आसपास का जो है वो हुआ है आज का जो 1 महीने में जो स्वीकृति और वितरण जारी किया है उसका। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन रोशन की रिपोर्ट।